तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आज हमने यहां पर ऐसा जुगाड़ बनाया है जो कि हर एक किसान के पास होना चाहिए अपने खेत के अंदर। तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हो मेरे पास एक चेन सो सिस्टम है जो कि मैंने जुगाड़ से बनाया है पूरा का पूरा। और ये जो है हमारे पेड़ को काफी आसानी से कट कर देता है, मतलब मान लीजिए कि 2 मिनट नहीं लगेंगे और आपकी जो टहनियां आराम से कट हो जाएगी। जैसे आप खेत पे काम करते हो या फिर आपको पेड़ की कटिंग करनी है तो इजीली इस काम से कर सकते हो। इसके अंदर ना तो कोई फ्यूल की जरूरत है ना कोई हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इजीली हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस वाले जुगाड़ को कैसे बनाते हैं इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरी कंप्लीट वॉच करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो भाइयों और बहनों, हमें सबसे पहले यहाँ पर चेन लेनी होगी। चेन का मतलब यह नहीं कि आप साइकिल की चेन ले लो या फिर कोई गले में पहनने वाली चेन ले लो। ये जो चेन है गाइस, चेन सो मशीन जो होती है, लकड़ी काटने की मशीन जो होती है, उसकी चेन है यहाँ पर। और ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, ऑफलाइन आप परचेस करोगे लगभग आपको 150 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और उसकी जो साइज होती है उस हिसाब से इसकी रेट होती है। तो आप बड़ी साइज की, फुल साइज की लोगे तो लगभग 200-250 रुपये आपको मिलेगी। तो अगर आप छोटी वाली से भी यूज़ करोगे तो काफ़ी इजीली से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस चेन को लेंगे गाइज, और चेन से बैठ कर इसको सबसे पहले सुलझाएंगे, क्योंकि गाइज ये जो चेन होती है काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है। बस आपको थोड़ा ध्यान से इसको सुलझाइए, आराम से सुलझ जाएगी। अब यहाँ पर इस चेन को आप देखिए, इसके अंदर बहुत खास चीज़ बनी हुई है, इसके अंदर तीत बने हुए हैं। जो ये तीत क्या करते हैं गाइस, लकड़ी को काटने का काम करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखे होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तीखे दांत दिखेंगे इसके अंदर। तो ये ही हमारी लकड़ी को काटते हैं यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस चेन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 2 तीत के बीच में कड़ी लगी हुई है तो उसको यहाँ पर कट करना होगा। आप कहीं से भी कट कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस टाइप से पकड़ेंगे और यहाँ पर किसी लकड़ी के अंदर यहाँ पर इसको ठोक देंगे। इसके अंदर यहाँ पर पीछे की साइड में 2 होल होंगे, हर पूरी चेन के अंदर आपको होल दिखेंगे बहुत सारे। तो किसी भी एक कड़ी के बीच में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कील को ठोकना है और यहाँ पर इसको फिक्स करना है। क्योंकि गाइस इसको हम कहीं पकड़ नहीं सकते, और आप काट करोगे इसको तो ये इधर उधर भागेगी, तो आपको सेफ्टी रखनी है और अच्छे से इसको फंसाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम एंगल ग्राइंडर के द्वारा इसको यहाँ पर कट कर देंगे। तो गाइज हमारे यहाँ पर चेन कट हो चुकी है। और अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर नहीं है तो जो हमारी चीनी होती है, जो छीनी होती है, हमारे देसी भाषा में छीनी बोलते हैं उसको, उससे भी आप इसको कट कर सकते हो ठोक कर, या फिर आप इसे हेक्सा ब्लेड से भी कट कर सकते हो। तो फाइनली गाइज देख सकते हो चेन हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें हैंडल बनाना होगा ताकि इनको दोनों तरफ से हम पकड़ सकें। तो यहाँ पर हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस टाइप के लोहे के पाइप का यूज़ करूँगा। ये कोई नल फिटिंग की शॉप पर आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर कोई पुराना पाइप कबाड़े के अंदर से भी आप ले सकते हो, या फिर कोई प्लास्टिक का पाइप भी ले सकते हो। लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोहे के पाइप का यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। अब इन दोनों को हम इस टाइप से हैंडल के रूप में काम में लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें इस चेन को इस पाइप के अंदर डालनी है और यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे। तो ये आप डायरेक्ट वेल्डिंग भी कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर वेल्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि हर किसी बंदे के पास वेल्डिंग मशीन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं एमसील का यूज़ करूँगा। तो एमसील गाइस क्या होती है कि ये 2 इसके अंदर पेस्ट होते हैं, इन दोनों पेस्ट को हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद ये सूखने के बाद एक पत्थर बन जाता है। इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि आप इसको मतलब तोड़ोगे तो ये पत्थर जैसे टूटेगा। और आप बोलोगे विशाल भाई ये चेन निकल जाएगी यहाँ से, तो बिल्कुल नहीं निकलने वाली, क्योंकि ये जो अंदर हम इसको बिल्कुल अच्छे से फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के पेस्ट जो है इनको यहाँ पर निकाल देंगे और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना होगा हमें। तो गाइस देख सकते हो, एक तो हमारा ब्लैक कलर का निकलता है और एक यहाँ पर एक जो हमारा दूसरा कलर होता है, मिट्टी जैसा कलर होता है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है आपको। तो गाइस फाइनली यहाँ पर देख सकते हो मैंने फटाफट से इसको मिक्स कर दिया है। और ये पूरा मिक्स होने के बाद में गाइस जो ये पेस्ट है हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप वेल्डिंग का टाका भी लगवा सकते हो किसी मिस्त्री के पास जाकर, वो 5-10 रुपये 20 रुपये लेगा और आपके इजीली यहाँ पर काम पूरा कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप एमसील का यूज़ कर लीजिए। 2 एमसील लगेगी इसमें, 10 रुपये की आती है, 20 रुपये में आपका दोनों काम हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, जो एक कड़ी है इस कड़ी के ऊपर हमें यहाँ पर एमसील को इस टाइप से लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद हमारा जो पाइप है उस पाइप के अंदर इसको पूरा अंदर टाइप में फंसा देंगे हम, ताकि ये जो अंदर सूखने के बाद पत्थर बन जाएगी और अंदर से अच्छी से मजबूत से पकड़ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो पाइप है इस पाइप के अंदर इस टाइप से घुसा दूंगा इसको मैं, और अच्छे से मतलब फिक्स कर दूंगा, टाइट कर दूंगा इसको अंदर।
फाइनली गाइज यहाँ पर जो हमारे MCL है यहाँ पर सूख कर पूरा पत्थर हो चुकी है और चेन जो है बिल्कुल यहाँ पर जम चुकी है, मतलब बाहर निकलने वाली नहीं है, कितनी भी ताकत लगा लो इसके अंदर। इस चेन के दोनों तरफ यहाँ पर मैंने हैंडल लगा दिए ताकि दोनों तरफ इस टाइप से पकड़ सकते हैं हम, और यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको हम ट्राई करके देखेंगे ये कैसे काम करती है। तो भाई इसको ट्राई करने के लिए हमें किसी पेड़ की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये नीम का पेड़ है और यहाँ पर इसको हम कट करेंगे। लेकिन गाइज मैं इस पेड़ को पूरा कट नहीं करूंगा, बस इसकी यहाँ पर टहनी को इसको कट कर दूंगा, क्योंकि गाइज ये पूरा पेड़ कट हो गया तो सूख जाएगा, तो मैं नहीं चाहता इसको सुखाना, तो बस यहाँ पर इसको कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो पेड़ है ये इधर से भी उग रहा है और यहाँ पर बरसात का सीजन भी है, जिसके कारण अगर इसको हमने कट भी कर दिया तो यहाँ से वापस से फूट के निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, इसको इस टाइप से डालना होगा हमें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा साइड में खड़ा हो जाऊंगा और अब यहाँ पर इसको हम कट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मुझे कोई ज्यादा जोर नहीं आ रहा है, ये पेड़ किधर की साइड में आ जाएगा। तो गाइस हमारी पेड़ की टहनी यहाँ पर कट के गिर चुकी है इधर की साइड में, और यहाँ पर जिसने कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा जो यहाँ पर काम पूरा कर दिया, और मुझे कोई ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, ना तो मैं पेड़ काटने का काम करता हूँ ना कोई टहनी काम कट करने का काम करता हूँ, बस इजीली इसको मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर हमारा पूरा कट हो चुका है। एक बार यहाँ पर हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पर इसको हम इस जगह से कट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखना, अभी यार बिना वीडियो को कट करें हम इसको कट करेंगे। देख सकते हो कितने आसानी से कट कर रहा है। मतलब कुछ ही देर में, और ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना ही कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, और कुछ ही देर में हमारी टहनी जो है आराम से कट चुकी है यहाँ पर। तो ये है हमारा रिजल्ट जो कि यहाँ से हमने कट करा इसको, और काफ़ी आसानी से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको जोर वोर लगाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी से कट करोगे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आरी से भी मतलब बहुत मुश्किल से कटता है, लेकिन ये चेनसो का जो हमने सिस्टम बनाया है बहुत आराम से इसको कट कर रहा है यहाँ पर। सो गाइस फाइनली अभी यार आप सभी ने देखा कि हमारा जो देसी जुगाड़ है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है, और हर किसान के पास होना चाहिए, क्योंकि खेत पे जाते हैं वहाँ पे कुल्हाड़ी से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हमारे पास सो जो होती है वो होती नहीं, आरी जो होती नहीं है लोगों के पास, लेकिन ये आप इजीली बना सकते हो, कहीं पॉकेट में रख कर ले जा सकते हो। जैसे देख सकते हो इसकी काफ़ी छोटी सी साइज़ हो जाएगी, इतनी सी साइज़ में आप ले जा सकते हो, और इसको आप अकेले भी कट कर सकते हो। अगर बड़ा पेड़ भी कट करना आपको, तो दो जने इजीली इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींच सकते हो और आराम से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला जुगाड़ आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार भाई, इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।